जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुनके मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसके दबाव में उठ रखे? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठ रखा था? सच सुनने की सामने ही है ये। मैं किसी की विद्वत्ता पे प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठ रखा, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए। नो प्लीज बैठिए आप पहली बार। हाँ एक मिनट, कल्याण जी कल्याण जी प्लीज एक मिनट सबको मौका दूंगा, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही, वहां भी कई बार प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूं जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना यह है कि हम और उन राज्य, एक मिनट प्लीज बैठिए एक मिनट दीजिए सारी। हमारा सवाल यह है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए
सभी राज्यों ने अपने अपने यहां कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है, आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3, श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। 9 नंबर से मैंने सदन की चिंता क्वेश्चन नंबर को बता दी है और आप सबको बता दिए। ऑनरेबल स्पीकर, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम प्रसाद राव फ्रॉम चित्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी आंध्र प्रदेश। और बिलाउड ऑनरेबल सीएम चंद्रबाबु नायडू गारु हैज रिक्वेस्टेड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर टू हेल्प रिकंस्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड द आंध्र प्रदेश। एक मिनट प्लीज, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3, माननीय मंत्री जी कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए, अब माननीय प्रश्न पूछे प्लीज सदस्य। थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउ मी टू स्पीक दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनरेबल स्पीकर। दिस इज प्रसाद राव फ्रॉम चित्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी आंध्र प्रदेश। और बिलाउड ऑनरेबल सीएम चंद्रबाबु नायडू गारु हैज रिक्वेस्टेड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर टू हेल्प रीकंस्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड द आंध्र प्रदेश व्हिच इज फेसिंग अक्यूट फाइनेंशियल चैलेंजेस स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑनरेबल स्पीकर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर अबाउट द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन स्टॉप्ड आर डिसकंटिन्यूड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद द रीजंस फॉर द सेम। द करंट स्टेट ऑफ द स्टॉल्ड और डिलेड स्कीम्स इन द स्टेट एंड द रीजंस बिहाइंड द halting and slow down of these projects and the तो लोकसभा में उठा नीट का मुद्दा। आपको बता दें सदन में नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ तथ्य नहीं छिपा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है। तो आपको बता दें सदन में नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री बोले सरकार कुछ तथ्य नहीं छिपा रही है, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार। तो नीट के विषय पर सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे जिसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार।